द सम ऑफ द सीरीज, देखो इस सीरीज का सम आपको निकालना है, क्या पूछा है आपसे, 20C0 प्लस 20C1 से लेकर 20C10। मान लीजिए इस पूरी सीरीज को अपन T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, 2 के पावर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 से लेके 20C10 और फिर 20C11 से लेके 20C20 तक, वो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, 20C20 प्लस 20C19, ये सब एडिशन में ही है। और इससे पहले देखो 20C10 से पहले रहा होगा 20C9 फिर 20C10, उसका ही एडिशन में ही लिख रहे हैं अपन 20C11। मतलब ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू है, ये एडिशन, ये सारे टर्म्स 2 के बाद 20 होंगे। मुझे एक चीज बताओ, 20C0 बोल दीजिए, ये आप 20C20 बोल दीजिए, दोनों सेम होंगे क्या? तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 × 20C0। सिमिलरली इसको 2 × 20C1 बोल सकते हैं, ऐसे ही लास्ट तक 2 × 20C9 बोल सकते हैं क्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने एक 20C10 अपनी तरफ से ऐड किया, तो एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो 2 × 20C10 भी आ गया क्या, और एक मैंने सब्ट्रैक्ट किया था वो अलग से लिख दिया। ये पूरी वैल्यू किसकी है, 2 के पास 20 की। जरा देखो ये जो बॉक्स में बंद है, क्या ये टी लिखा है, डायरेक्ट आपके पास टी की वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगा, 2t इक्वस टू क्या बन रहा है, ये 2 की पावर 20 प्लस 20C10। सो टी कितना आ गया, 2 की पावर 19 प्लस 1/2 × 20C10, 2 की पावर 19 प्लस 1/2 × 20C10, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन सी।